अलहमदल रबिलमी वसलात वसलम अल नबीन महमद वाल वसहा अज़माइन व मन तब अहम बहसानद्दीन अम्माबाद मजसादीन अल्लाह ताल ने इस दुनिया में अपने हक़ के बाद अगर किसी का तस्करा किया है अपनी इबादत के बाद अगर किसी मामले का तस्करा किया है तो है वालदे के साथ हसन सलूक का मामला वकदा रब का अल्ला तबदाला इ्यावालद एहसाना तुम्हारे रब का यह फैसला है कि तुम उसी की इबादत करो और वालदेन के साथ हसन सलूक करो ये तुम्हारे रब ने फैसला किया है वबुदुल्ल वाल तुश्र कोको भी शैनबालवालदिन एहसाना कि अल्लाह ताली की इबादत करो उसके साथ किसी को शरीक न करो और वालदे के साथ हसन सलूक करो ये तलीम अल्लाह ने कुरान मजीद में बार रहा दी है कि वालिदैन तुम्हारे हसन सलूक के हकदार हैं वाद्रीन औलाद पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि अपनी तरफ़ से को कोई तकलीफ़ ना पहुँचने दें फरमाया अल्लाह ताला ने इम्मा अबुल ग़न्ना आंद कल أو كلاهما فلا تقل لهما फ़ला ولا تنهرهما وقل لهما हमा كريما कौलन करीमा कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपके वालदे में से दोनों या कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए और आप जिंदा हों तो कभी उनसे उफ तक न कहना फला तक लुम उफ़ और कभी डांटना नहीं उनको और अच्छी बात करना नरम बात करना वक्फुम जना हज़र रहम हमेशा नरम पहलू इख्तियार करना वक्रबर हम रबैयानी सही सिर्फ़ इतना ही नहीं कि सामने आप इतात करो बल्कि अपने रब के दरबार में जाओ अल्लाह के सामने हाथ उठाओ तो तब भी उनके अख़ में दुआ करना यानि उनकी मौजूदगी में गैर मौजूदगी में सामने हों पीछे हों सामने हों उन्हें अपने खिदमत के ज़रिए आसानी पहुँचाओ राहत पहुँचाओ पीछे हो तो दुआओं के ज़रिए उन्हें सुकून पहुँचाओ ये अल्लाह तार नेक्म दिया है तो मजहदरीन हमारे अपने माशरे में बड़े अफ़सोस के साथ मुख्तलफ़ किस्म की बदतमीज़ियाँ वालदा के साथ की जाती हैं उसमें से एक बदतमीज़ी ये भी है कि वालदे से कहीं ऊँच नीच हो जाए तो बड़े अफसोस के साथ औलाद वालदेन को डांटती है बुरा भला कहती है रोकती है सख्त अल्फाज कहती है एहसान जताती है यह बहुत बड़ी बदतमीजी है बहुत बड़ी बदतमीजी है कि आप अपने वालिदैन पर एहसान जताओ आप अपने वालिदैन को डांटो उनसे सख्ती से बात करो यह किसी सूरत किसी औलाद को किसी लड़के को जैब नहीं देता कि अपने वालिदैन के साथ कोई ऐसा मामला करे महसाजरी आपका वजूद आपके वालिदैन की वजह से है आप इस दुनिया में आपके वालिदैन की वजह से हैं अगर वालिदैन ना होते तो आप इस दुनिया में ना होते अगर वालिदैन आपके बचपन में आपका ख्याल ना रखते तो आप ज़िंदा ना होते वालिदैन आपकी देखभाल न करते तो आप सेहतमंद ना होते अल्लाह ताला के बाद अगर किसी का आप पर सर से पैर तक एहसान है सर से पैर तक एहसान में डूबे हुए हैं तो वालिदैन के एहसान तले आप डूबे हुए हैं मोसादीन आपने कमा लिया आपने वालदे को कुछ दिया वालदे ने कुछ ऊँच नीच कर दी आप आपदैन को इस पर डांटें यह आपको हक़ नहीं पहुँचता हाँ अगर वो अल्लाह की नाफरमानी करते हों हराम में खर्च करते हों तो आप उनको पूरी नरमी के साथ पूरे अखलाक के साथ पूरी आजिज़ी के साथ बग़ैर किसी बदतमीज़ी के बग़र आवाज़ को ऊँचा किए आप समझा सकते हैं बता सकते हैं रोक सकते हैं लेकिन आवाज को बुलंद करना डांट के बात करना ये किसी सूरज जैब नहीं देता और मोजादीन ऐसे भी देखा गया कि वालदेन के, के हक़ में औलाद इस किस्म से भी बदतमीजी करती है कि वालदेन से सवाल पूछे कि आपने हमारे लिए क्या बचा के रखा हमारी दुनिया के लिए आपने क्या किया हमारे भले के लिए आपने क्या छोड़ा आपने हमारे लिए क्या रखा है मजदूर हाजरीन जरा शर्म करें आपका वजूद ये आपके वालदेन के एहसान तले दबा हुआ है आप जो सर से पैर तक सेहतमंद और तंदुरुस्त हैं ये अल्लाह ताला के बाद आपके वालदेन की देन है आपके वालदेन का एहसान है कि आप जिंदा हैं आप सेहतमंद हैं आपके हाथ पैर मजबूत हैं आपकी आंखें काम करती हैं आपके कान सुन सकते हैं आपकी आंख आपकी नाक सूंघ सकती है आप कुछ बोल सकते हैं अल्लाह ताला के बाद वालेन का एहसान है जो आप जिंदा हैं इतना बेहतरीन बदन अल्लाह के बाद इन वाले के जरिए आपको मिला है तो यह क्या कम है आपके लिए एक आंख आपकी चली जाए अल्लाह ना करे कहां से लाएंगे उसे हाथ पे कुछ जख्म हो जाए हाथ में कुछ ऊंच नीच हो जाए कैसे दुरुस्त करेंगे उसे अगर वालिद या वालिदा की लापरवाही से आपके बचपन में आपकी आंखों को कुछ हो जाता आपकी नाक को कुछ हो जाता आपके बदन को कुछ हो जाता ये किसका एहसान है कि आपका बदन तंदुरुस्त और सही सालिम है मुजहदिन वालदेन के एहसान को आप महसूस करें आपका वजूद उनके एहसान तले दबा है आपका वजूद उनके एहसान तले दबा है जिंदगी भर आप उनकी खिदमत करें आप उनका हक हाँ नहीं अदा कर सकते एक मरतबा तवाफ कर रहे थे एक शख्स उनके पास आया जो अपनी माँ को अपनी पीठ पे उठाए हुआ था उसने पूछा कि यह मेरी खिदमत मेरी वालदा के लिए है मैं यमन से आया हूँ अपनी वालिदा को अपने ऊपर उठा के लाया हूँ और मैं इस अंदाज से उसको इबादत करवा रहा हूँ आपका क्या, क्या कहना है कि क्या मैंने उसका कुछ अदा किया है तो अब्दुल्लाह अब्दुल्लामर रजी अन्हु ने कहा कि हक तो दूर की बात माँ की तकलीफ भरी एक सांस का भी बदला तुमने अदा नहीं किया है वाला बे जफरतन वला बेजफरतिन वाहिदा एक सांस का भी तुमने कदा नहीं किया यानी वालिदा जब बच्चे को जन्म देते हुए जो तकलीफ़ बर्दाश्त करती है तकलीफ़ की जो सांसें लेती है उसकी एक सांस के बराबरी ज़िंदगी भर की खिदमत अदा नहीं कर पाएगा बंदा तो चे जाए कि वालिदा से वालदे से सवाल करे कि तुमने हमें क्या दिया मोजा सादरीन अल्लाह ताला से डरें पूरी ज़िंदगी की खिदमत आपके वालदे का अदा नहीं कर सकती पूरी जिंदगी की खिदमत आपके वालिदा कहा अदा नहीं कर सकती वालिद कहा अदा नहीं कर सकती वालिदैन को अपने लिए गनीमत तस्वर करें उन्हें अपने तरफ से कोई तकलीफ ना होने दें उनकी खिदमत को अपनी जन्नत और अपनी कामयाबी का जरिया समझें अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तु के पास एक आदमी आया उसने कहा कि मुझसे कत्ल हो गया है मुझसे कत्ल हो गया मैंने एक मर्डर कर दिया है तो आपने कहा क्या तुम्हारी माँ जिंदा है कहने लगा नहीं क्या तुम्हारी खाला जिंदा है कहा के हां कहा जाओ उसकी फरमा बरदारी करो उसके साथ सिला रहमी करो तो ये असर हमें यह बताता है कि बड़े बड़े गुनाहों के कफारे का जरिया यह है कि आप वाले की खिदमत में लगे रहें वाले की खिदमत आप करें उन्हें तकलीफ ना पहुंचाए एक सहाबी आए जिहाद करना चाह रहे थे आपने पूछा कि अपने वालदे जिंदा हैं कहा के हां पूछा किस हालत में छोड़े हो रो रहे थे आपने कहा कि जाओ जा करके उनको हंसाओ उनको खुश करो और वहां जिहाद करो जाकर के वालिदैन की खिदमत में जिहाद है और अल्लाह के नबी ने, ने फरमाया कि रब की रजामंदी वालिदैन की रजामंदी में है और रब की नाराजगी वालद की नाराज़गी में है तो अपने वालदे को कभी नाराज ना करें अपने वालदे से कभी सख्ती से बात ना करें अपने वालदे से कभी ऊंची आवाज़ में बात ना करें डांट के बात ना करें अपने वालदे के साथ उसने सलूक करें यह तालीम हमें शरीयत देती है ये तालीम हमें इस्लाम देता है उनसे कुछ ऊँच नीच हो जाए तो बर्दाश्त करें उसको नर्मी के साथ उसको हल करने की कोशिश करें यह तालीम शरीत हमें देती है अल्लाह ताल से दुआ है कि अल्लाह ताल जिनके वालदे जिंदा हैं उन ओलाद को वालदान की खिदमत करने उन्हें सुकून पहुँचाने और अपनी जन्नत बनाने की तोफ़ी नसीब फरमाए और अल्लाह तदैन को अपने औलाद के हक़ में मुफीद बनाए औलाद को वालदान की खिदमत की तोफ़ी तता फरमाए आमीन वसल वसलम नबीना महमद वाली वसब अज़माइन वालक वरहल वरक